अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की बैठक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा पर्सनल लॉ बोर्ड। अयोध्या पर निर्मोही अखाड़ा की हुई बैठक। बैठक में लिया गया निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़ा नहीं दाखिल करेगा पुनर्विचार याचिका। अयोध्या में ट्रस्ट पर संत समाज के विवाद पर संतों ने बुलाई बैठक। बैठक में संत एकमत हुए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संत समाज को मान्य है, उन्हें किसी तरीके का कोई लालच नहीं। शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की आज पुण्यतिथि। उद्धव ठाकरे, संजय राउत, छगन भुजबल ने दी श्रद्धांजलि। फडणवीस ने बाला साहब के भाषणों वाला वीडियो किया ट्वीट। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की सातवीं पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा कि बाला साहब से सभी को सीखना चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ट्वीट पर किया पलटवार। कोई उन्हें स्वाभिमानी और समझदारी न सिखाए, समझदारी दिखाते हुए ही शिवसेना सरकार बनाएगी और सीएम भी शिवसेना का होगा। शिवाजी मैदान में बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि देने आए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का शिव सैनिकों ने किया विरोध। शिव सैनिकों ने फडणवीस की हुटिंग की। महाराष्ट्र में बने नए राजनीतिक समीकरण का असर संसद के शीतकालीन सत्र में भी देखने को मिलेगा। लोकसभा और राज्यसभा में शिवसेना सांसदों के बैठने की जगह बदली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का अब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फाइनल नहीं। चर्चा के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की दिल्ली में होने वाली मुलाकात टली। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार की नए बिल लाने की योजना। टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल समेत 27 नए बिल चर्चा के बाद पास कराने की होगी कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। करनी सेक्टर में भारतीय चौकी और रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में द्विपक्षीय बैठक की। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक मीटिंग प्लस रक्षा एवं सुरक्षा 2019 प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। आज रिटायर होंगे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। शनिवार को गोगोई ने आंध्र प्रदेश के तिरुचानूर में पत्नी के साथ की पूजा। भगवान वेंकटेश्वर के भी किए दर्शन। महंत परमहंस दास ने महंत नृत्य गोपाल दास के समर्थकों से बताया जान का खतरा। कई गंभीर आरोप लगाए, कहा जान बचाकर भाग रहा हूं। जेएनयू में जी मीडिया के महिला पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी पर देश भर में गुस्सा। सोशल मीडिया पर जेएनयू के छात्रों के बर्ताव की कड़ी निंदा। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जेएनयू को देश विरोधी ताकतों का अड्डा बताया। भारत में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के मकसद से दिल्ली में हिंदू इकोनॉमिक फोरम सेमिनार आयोजित। कई उद्योगपति, ट्रेडर, बैंकर, इन्वेस्टर, टेक्नोक्रेट, प्रोफेशनल अर्थशास्त्री और विचारक हुए शामिल। 2025 तक अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने को लेकर दिए गए सुझाव। यूजीसी ने बढ़ाई एससी ओबीसी माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप की फेलोशिप राशि। फेलोशिप की दर 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होगी। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद ने बैठक में लिया हिस्सा। ऑल पार्टी मीटिंग में टीएमसी ने की पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल की शिकायत। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने गृह मंत्री से की मांग, जल्द गवर्नर को बुलाकर उन्हें समझाएं। बैठक में ज्यादातर विपक्षी दलों ने फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म करने की मांग की। फारूक को संसद सत्र का हिस्सा बनाने की मांग भी की। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे को उठाया। कहा संसद में दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा हो और उसका समाधान निकाला जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देश का सबसे अनोखा फुट ओवरब्रिज। यात्रियों को बैठने की जगह से लेकर खाने पीने और शौचालय तक की तमाम सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली के हवा में प्रदूषण के बाद पानी भी सबसे खराब। केंद्र सरकार की 21 शहरों की रैंकिंग में मुंबई का पानी सबसे शुद्ध तो दिल्ली का सबसे खराब। प्रदूषित पानी वाले शहरों में देहरादून चौथे तो लखनऊ सातवें नंबर पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मॉनिटरिंग में कानपुर देश में सबसे प्रदूषित शहर। पीएम 2.5 की मात्रा सबसे ज्यादा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली
जिले के आईटीओ के पास सांसद क्रिकेटर गौतम गंभीर के लापता होने के लगे पोस्टर 15 नवंबर को हुए प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक चर्चा में नहीं हुए थे शामिल, इसलिए लगाया गया पोस्टर। ब्रांडेड कंपनियां कर रही आपकी सेहत से खिलवाड़, 7 ब्रांडेड पान मसालों के सैंपल पाए गए अनसेफ, प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट और मिनरल ऑयल की मिली मिलावट, अनसेफ मसालों की कंपनियों को जारी किया गया नोटिस। प्रयागराज में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प, जमकर चली लाठियां, कई को गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर, बड़वानी में कार और कंटेनर की टक्कर, 5 लोगों की मौत, तो छतरपुर में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 1 महिला की मौत, 6 लोग घायल। धान के अवैध परिवहन को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रशासन सख्त, प्रदेश भर में जब्त किया गया 19,033 क्विंटल धान और 63 वाहन, सबसे ज्यादा कवर्धा में तो सबसे कम सूरजपुर में पकड़ा गया धान। एमपी के ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह के पैरों में गिरी महिला ने लगाई लापता बेटी की तलाश करने की गुहार, पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप, मंत्री जी ने अधिकारियों को दिए उचित कार्रवाई के निर्देश। एमपी सीएम कमलनाथ की कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और प्रशंसकों से अपील, जन्मदिन पर होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाने से किया मना, प्रशासन को भी नियमों के पालन में कोई कोताही नहीं बरतने के निर्देश। सरदार सरोवर के विस्थापितों ने भोपाल में डाला डेरा, नर्मदा भवन के सामने सड़क पर बिताई रात, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप, कहा पानी में डूबे खेत और मकान, नहीं मिला मुआवजे का पैसा। यूपी के प्रयागराज के दारागंज में निरंजनी अखाड़े के आश्रम में महंत आशीष गिरी ने खुद को गोली मार कर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के उन्नाव में मुआवजे की मांग पर किसानों का उग्र प्रदर्शन, किसानों ने बिजली सब स्टेशन के बाहर लगाई आग, पुलिस ने 36 नामजद और 400 अज्ञात किसानों पर दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बिजली घर के बाहर आगजनी पर बोले जिलाधिकारी, किसानों ने नहीं अराजक तत्वों ने लगाई आग, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के कांकेर में दुधवा बांध के टापू पर फंसे करीब 100 बंदरों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, वन विभाग कर रहा है बांस के पुल का निर्माण, नाव से टापू तक मछुआरे खिला रहे बंदरों को खाना। पंजाब के कई शहरों में बढ़ा डेंगू का कहर, बटाला में 260 तो मोगा में 275 मामले पाए गए पॉजिटिव, ओपीडी में मरीजों की गिनती हर रोज 800 के पार। पंजाब के गुरदासपुर के सुरेंद्रपाल को मिली भारत सरकार की तरफ से 1,17,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप, 4 साल विदेश में उच्च शिक्षा हासिल कर अपने देश के लिए काम कर सकेंगे सुरेंद्रपाल। बिहार के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने फिर दिए सियासत से दूर होने के संकेत, बोले राजनीति से अलविदा लेने का आया वक्त, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनते ही ले लूंगा संन्यास। रफाल मुद्दे पर राहुल गांधी के बचाव में उतरे सीएम अशोक गहलोत, कहा हम करते हैं कोर्ट के फैसले का सम्मान, लेकिन सीबीआई एसआईटी या फिर जेपीसी से करवाई जा सकती थी जांच। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, कहा पंडित नेहरू के प्रति हमारा है पूरा सम्मान, लेकिन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल है आपत्तिजनक, सीएम गहलोत से मांगा स्पष्टीकरण। राजस्थान में फिर आरक्षण पर छिड़ा घमासान, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार को दी चेतावनी, स्थिति साफ करने के लिए 7 दिनों का दिया अल्टीमेटम, एमबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देने का मामला। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार अब वर्चुअल क्लास का लेगी सहारा, पहले चरण में पूरे राज्य में 150 स्कूलों को वर्चुअल क्लास से जोड़ा गया। आज शाम 5:13 पर बंद हो जाएंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट, 55 क्विंटल फूलों से सजाया गया भगवान बद्रीनाथ को। जम्मू कश्मीर में एलओसी में आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए बंकर, 14,460 बंकर में से 90% तैयार, 415 करोड़ का फंड मिला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर, लाहौल स्पीति कोकसर इलाके में बर्फबारी जारी, 13,000 फीट की ऊंचाई पर फंसी सैलानियों की गाड़ियां, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान रास्ता साफ करने में जुटे। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी, पिछले 24 घंटे से घाटी में पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन की वजह से यातायात बंद। बिहार के कटिहार में संन्यास के सवाल पर बोले गिरिराज सिंह, जिस दिन देश में लागू हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, उस दिन से लूंगा राजनीति से संन्यास।
केरल में 2025 तक टीबी बीमारी खत्म करने की तैयारी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र ने केरल के प्रयास की प्रशंसा की। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन का बयान, तमिलनाडु सरकार में 3 मंत्री भ्रष्ट, डीएमके सत्ता में आई तो सभी भ्रष्ट होंगे जेल में। तेलंगाना राज्य ट्रांसपोर्ट हड़ताल का 43वां दिन, आदिलाबाद भैंसा और आसिफाबाद डिपो में रास्ता रोको में शामिल कई कर्मचारी गिरफ्तार, चेतावनी देकर छोड़े गए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दिल्ली से त्रिवेंद्रम जा रही केरल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, हादसे में कोई भी हताहत नहीं। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। कर्नाटक में 15 विधानसभा क्षेत्रों में 5 दिसंबर को होगी वोटिंग, 11 दिसंबर को आएंगे नतीजे। कांग्रेस की चुनाव आयोग से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 15 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले लागू आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का आरोप। कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। केरल में सबरीमला मंदिर का गर्भगृह खुला, पुलिस ने 10 से 50 साल की उम्र की 10 महिलाओं को जाने से रोका, 2 महीने तक चलेगी तीर्थ यात्रा। सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने किया बड़ा ऐलान, कहा पुलिस सुरक्षा दे या ना दे लेकिन 20 नवंबर के बाद मैं जाऊंगी सबरीमला मंदिर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में निजी बोलेरो कार ने ट्रक को मारी टक्कर, 1 की मौत, 4 घायल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विवाहित महिला की संदिग्ध हालात में आग लगने से मौत, पति स्टील प्लांट में है मैनेजर। भारत के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक इटली के प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। पटनायक रोम में एक समारोह में इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित। आंध्र प्रदेश के वाइजैग में नेवी के ईस्टर्न नेवल कमांड के 4 श्रेणी में मैराथन का आयोजन, डीजीपी ने किया फ्लैग ऑफ, 18,000 लोगों ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे उनके अपने ही मंत्री सरयू राय, पूर्वी और पश्चिमी जमशेदपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे सरयू राय। व्यापारियों की उपेक्षा से नाराज चैंबर ऑफ कॉमर्स, झारखंड विधानसभा चुनाव में उतारेगा अपने प्रत्याशी, 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा चैंबर। समस्तीपुर में NH-28 पर बदमाशों ने बाइक सवार के साथ की लूटपाट, विरोध करने पर की फायरिंग, गोली लगने से घायल हुआ युवक। ईरान में बढ़े हुए तेल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कर दिया ट्रैफिक जाम, पुलिस बल ने छोड़े आंसू गैस के गोले। नहीं थमा हांगकांग में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। इंग्लैंड में छात्रों के हॉस्टल में लगी आग, मौके पर पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू, किसी को कोई नुकसान नहीं। इंग्लैंड में छात्रों के हॉस्टल में लगी आग, मौके पर पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू, किसी को कोई नुकसान नहीं। श्रीलंका में आज हो जाएगा नए राष्ट्रपति का ऐलान, शनिवार को हुए चुनाव में 1,59,00,000 मतदाताओं ने नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाले। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बनने पर ट्वीट कर गोतबाया को बधाई दी है, जिसके जवाब में गोतबाया ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। अफ्रीकी देश कांगो में इस्लामिक आतंकवादियों के हमले में 15 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल। पिछले एक हफ्ते के दौरान सेना और विद्रोहियों के बीच चल रही लड़ाई में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। करीम जनात के रिकॉर्ड स्पेल की बदौलत अफगानिस्तान ने दूसरे T20 में वेस्टइंडीज को 41 रन से दी शिकस्त, 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से की बराबरी। ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने टीम के सामने रखा भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हराने का लक्ष्य, घर में 7 साल से टेस्ट सीरीज नहीं हारी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज जेम्स पेंटिनसन पर 1 मैच का लगा बैन, शेफील्ड शील्ड मैच में गाली देने के कारण सीएम ने लगाया बैन। अख्तर के बाद अब हफीज ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों की नियत पर उठाए सवाल, बोले मजबूरी में उन खिलाड़ियों के साथ खेला जो गलत काम करते थे। रितु फोगाट ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में की शानदार शुरुआत, दक्षिण कोरिया की नाम ही किम को नॉकआउट कर जीत की हासिल।
वर्ल्ड नंबर 4 थॉमस बर्डिच ने टेनिस से लिया संन्यास। बर्डिच ने अपने करियर में जीते 13 एटीपी सिंगल्स। 2010 में विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे बर्डिच। ग्रीस के युवा टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास ने रोजर फेडरर को हराकर एटीपी फाइनल से किया बाहर। फेडरर को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से दी मात। मोदी सरकार भारतीय डाक में एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है। डाक विभाग और डाक जीवन बीमा के कारोबार को विभाजित करने पर हो रहा है विचार। गूगल ने साप्ताहिक मीटिंग बंद की, अब महीने में बैठक लेगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने इस बाबत कर्मचारियों को ईमेल भेजा। आने वाले दिनों में गिर सकते हैं सोने और चांदी के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिले संकेतों के अनुसार सोने के 5% तक गिर सकते हैं दाम। वन प्लस म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने इंटरनेशनल सिंगर दुआ लिपा पहुंची मुंबई। सुपरस्टार शाहरुख खान से की मुलाकात। शाहरुख ने ट्विटर पर इस मीटिंग की फोटो शेयर करते हुए उनका भारत आने पर स्वागत किया। जानी मानी गायिका लता मंगेशकर की हालत स्थिर, सेहत में पहले से सुधार, मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती। 1975 में आई हिट कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके का बनेगा रीमेक। फिल्म मेकर भूषण कुमार ने फिल्म के राइट्स खरीदे। फिल्म में राजकुमार राव निभाएंगे धर्मेंद्र का किरदार। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर यशराज फिल्म के पृथ्वीराज में साथ आएंगे नजर। शूटिंग शुरू होने से पहले पूजा का वीडियो अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया वॉल पर किया शेयर। वृक्षारोपण घोटाले में वन विभाग ने एमपी के पूर्व सीएम शिवराज और शेजवर को दी क्लीन चिट। कांग्रेस सरकार के दावे को वन विभाग ने नकारा। दसी सुंदरी साधना पटेल चढ़ी पुलिस के हत्थे। सतना पुलिस ने करियन के जंगल से किया गिरफ्तार। साधना पटेल के कब्जे से 1.315 बोर की राइफल भी जब्त। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में ट्रांसफार्मर में लगी आग। बस स्टैंड के पास लगे ट्रांसफार्मर में हुआ शॉर्ट सर्किट। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बाड़मेर में भारतीय सेना का ऐतिहासिक युद्ध अभ्यास जारी। नई रणनीति के तहत महज 48 घंटों में दुश्मन के बड़े भूभाग पर कब्जा जमाने की नई रणनीति की गई तैयार। संगरूर में दलित युवक की मौत पर गरमाई राजनीति। सांसद भगवंत मान ने मुद्दे को संसद में उठाने की कही बात। बोले मुद्दे पर होम मिनिस्टर से भी मिलूंगा। फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर सोमवार को जेएनयू छात्र संघ करेगा प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी से लेकर संसद से निकाला जाएगा मार्च।